हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ टीके वेपटेक यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि हम किसी भी कॉलम को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं या उस कॉलम का नेम चेंज करना हो। लाइक मैंने कोई एज नाम से दिया है कॉलम, उसका नेम दोबारा से चेंज करना है, तो वो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो चलता हूँ मैं अपने माई स्कूल कंसोल पर, और यहाँ आके माई स्कूल कंसोल, देन यूजर नेम रूट एंड पासवर्ड ब्लैंक, ठीक है। देन उसके बाद इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझ आना चाहिए। सो डेटाबेसेस, ठीक है, यूज डीके वेब टेक, यूज डीके वेब टेक, ठीक है, यूज डीके वेब टेक एंड शो टेबल्स। मेरे पास पर्सन है, DESC डिस्क्राइब पर्सन, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो नेम है या ईमेल है, यूजर ईमेल हो जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे, ईमेल को चेंज करना है या मैं, तो कैसे, ध्यान से देखना कैसे करते हैं। आपको लिखना है अल्टर टेबल, है अल्टर टेबल, देन उसके बाद टेबल का नेम, टेबल अंडर स्कोर नेम, क्या लिखना है, टेबल का नेम, टेबल नेम। देन उसके बाद यहाँ लिखना है चेंज, क्या लिखना है, चेंज कॉलम का ओल्ड नेम, ओल्ड नेम कॉलम ओल्ड नेम, एंड देन फिर उसके बाद न्यू नेम लिख देना है, न्यू नेम दोनों में कॉलम कर दे रहे हैं, कॉलम का है, ठीक है, सी एंड सी। मैंने ये इसलिए किया है कि मैंने आपको समझ में आना चाहिए कि कॉलम का ओल्ड नेम और कॉलम का न्यू नेम। तो मैं दिखाता हूँ अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है हमारा, यहाँ के मैंने टेबल नेम डाल दिया, क्या डाल दिया, पर्सन, ओके। उसके बाद मैंने बोला चेंज, मैंने बोला ईमेल चेंज हो जाए किसमें, यूजर अंडरस्कोर ईमेल में, ठीक है। देन उसके बाद वेर केयर डेटा टाइप एंड देन उसकी लेंथ। अब मैंने बोला ये कहाँ पे आ जाना चाहिए, मोबाइल के नीचे, तो आफ्टर मोबाइल इंटर क्यूरी, ओके जीरो फैक्टर। मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ टेबल को, अब देखेंगे मोबाइल के बाद आ गई यूजर ईमेल हो गया, क्लियर ना। तो अब चाहो तो ये जो इसकी लेंथ है वो भी कम कर सकते हो, मतलब टेबल इसके इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो मॉडिफाई कमांड से भी। तो यहाँ के अल्टर टेबल, अल्टर टेबल पर्सन PERSON मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई यूजर अंडरस्कोर ईमेल, और इसकी यूजर अंडरस्कोर ईमेल, और यहाँ मैंने बोल दिया वेर केयर 55 हो जाए, एंटर, जीरो अफेक्टेड। चेक करोगे आप, आपके पास ये देखो लेंथ चेंज हो गई, क्लियर ना। तो इस टाइप से मॉडिफाई भी कर सकते हो और कॉलम का नेम भी चेंज कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।